तो दोस्तों जब आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के दौरान अगर उस एप्लीकेशन का कोई सब्सक्रिप्शन पैक आपने लेके रखा हुआ है और जब आप वहां पे सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं तो उसके लिए आप वहां पे यूपीआई को यूज करते हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो। उसके अलावा अगर आपने डेबिट कार्ड यूज किया है, क्रेडिट कार्ड यूज किया है, इसका इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन में आपने क्या यूज किया है तो वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। साथ में अगर आपका यहाँ पे ऑटो पेमेंट कट रहा है तो उस ऑटो पेमेंट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, जैसे आप यहाँ पे ऑटो पेमेंट को कैंसिल करते हैं और उस एप्लीकेशन का पेमेंट पहले से आपका कट चुका है, सब्सक्रिप्शन का जो एक्सपायरी डेट है अभी भी आपको यहाँ पे वैलिड देखने मिल रहा है, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है उस समय आपका एक्सपायर नहीं होगा, उस समय आपका कैंसिल नहीं होगा, जो लास्ट पेमेंट आपका कटेगा उसी का आपका सब्सक्रिप्शन यहां पे कैंसिल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि किस किस एप्लीकेशन का आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, साथ में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या यूज किया है, वो जानने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, ओपन करने पर ऊपर में प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, उस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने बाद पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने चार ऑप्शन है, पेमेंट मेथड का है, सब्सक्रिप्शन का है, बजट का है, रिडीम का है। सबसे पहले पेमेंट मेथड में जाएं और जो भी आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड शो हो रहा है और गूगल पे का यहाँ पे यूपीआई देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से पेमेंट मेथड को चेक कर सकते हैं। अब इस पर टैप कीजिए तो ये ओपन नहीं होगा। आपको अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चेक करना है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी एप्लीकेशन का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और साथ में नेक्स्ट पेमेंट कब कटेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा, टैप करने बाद इस प्रकार का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नेक्स्ट पेमेंट का डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें अगर आपने यूपीआई यूज़ किया है तो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा, डेबिट कार्ड यूज़ किया है तो डेबिट कार्ड देखने मिलेगा और चाहे तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। और आपको पेमेंट बैकअप का भी ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट बैकअप निकालना तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और साथ में नीचे में आपको कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिएगा तो आप एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको कैंसिल नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे को मैं ओपन करता हूँ और गूगल पे को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा और ऊपर में प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने बाद नीचे में आप देखिए एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा ऑटो पे का, ये ऑटो पे वाला जो ऑप्शन देखने मिल रहा है इस पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे पेंडिंग और कंप्लीट वाला भी देख सकते हैं, कोई अगर पेमेंट कटा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट देख सकते हैं और साथ में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ऑटो पेमेंट सेट करते हैं तो 10 साल तक ये यहाँ पे एक्टिव रहता है, अगर आप इसको यूज नहीं कीजिएगा फिर भी मंथली आपका यहाँ पे पेमेंट ऑटो पेमेंट कटते रहेगा और 10 ईयर तक कटते रहेगा, ये आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो भी अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं नीचे में पोस्ट ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा और कैंसिल ऑटो पे का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो चलिए मैं इसको कैंसिल पे क्लिक करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करने बाद यहाँ पे पूछा जाएगा यस कैंसिल ऑटो पे आपको कैंसिल करना है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। देन आपका ट्रांजेक्शन जो पिन नंबर है उस ट्रांजेक्शन पिन नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो कैंसिल ऑटो पे यहाँ पे होना चालू हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेमेंट आपको ऑटो पे दिख रहा था वो अब आपको यहाँ पे कैंसिल देखने मिलेगा और ऑटो पे कैंसिल इस प्रकार का लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मतलब ये पेमेंट आपका कैंसिल हो चुका है। अब आपका यहाँ पे कोई भी पेमेंट नेक्स्ट नहीं कटेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों जो आपका यहाँ पे 2 रुपया गूगल प्ले स्टोर का ट्रांजेक्शन कटा था वो भी आप देख सकते हैं रिटर्न आ चुका है, तो जो ट्रांजेक्शन अमाउंट 2 रुपया कटा था वो भी आप यहाँ पे रिफंड ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर प्ले स्टोर में जाते हैं और आप सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में जाइएगा तो वो एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा और 4 सितंबर 2023 तक देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं होता, आपका ऑटो पेमेंट कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल सब्सक्रिप्शन करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको अगर आप यहाँ पे कीजिएगा तो जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा और आप एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा ऑटो पेमेंट यहाँ पे कैंसिल होने के बाद भी आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इस
एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है और इसका सब्सक्रिप्शन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है और ये 4 सितंबर तक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ऑटो पेमेंट भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।